दीपावली का पवित्र त्यौहार आने वाला है। देश ही नहीं विदेश में भी लोग इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। यूपी बिहार के पूर्वांचल के इलाके में दीपावली की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में फटा हुआ सूप बजाया जाता है। पूर्वांचल में दिवाली के अवसर पर लुक्का जलाने की भी परंपरा है। इस दौरान रस्सी में छोटी लकड़ियां बांधकर इसका अंगारा जलाया जाता है। दीपम ज्योति परम ब्रह्म दीपम ज्योति जनार्दन दीपो हरतु पापम दीप ज्योति नमस्तुते। नमस्कार, उदयनी डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ पले अपराजिता। दीपावली का पवित्र त्यौहार आने वाला है। देश ही नहीं विदेश में भी लोग इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। घरों की सफाई हो रही है, नए वस्त्र, दीपक, सजावट का सामान, बिजली की झालरे आदि की खरीदारी जोर शोर से चल रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में दिवाली कई तरह से मनाई जाती है, जिसके बारे में आज मैं आपको बता रही हूँ। इसमें कुछ परंपराएं तो बेहद विचित्र भी है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश के धामी में दिवाली पर पत्थरबाजी की जाती है। लोग अलग अलग झुंड बनाकर एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं, जिसे पत्थर का मेला कहा जाता है। इस उत्सव में अगर किसी को पत्थर लग भी जाए तो उसे सौभाग्य माना जाता है। यूपी बिहार के पूर्वांचल के इलाके में दीपावली की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में फटा हुआ सूप बजाया जाता है। घर की बुजुर्ग महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूप बजाते हुए प्रार्थना करते हैं, जिसमें माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हुए कहा जाता है कि अन्न धन लक्ष्मी घर आओ, अलक्ष्मी दरिद्रता बाहर जाओ। पूर्वांचल में दिवाली के अवसर पर लुक्का जलाने की भी परंपरा है। इस दौरान रस्सी में छोटी लकड़ियां बांधकर इसका अंगारा जलाया जाता है और उसे जलते हुए पूरे घर में घुमाया जाता है और फिर बुझाकर छत पर फेंक दिया जाता है। मान्यता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसके अलावा दीपावली पर मंदिरों में नई झाड़ू दान करने की परंपरा भी देश के कई क्षेत्र में है। लोग अपने घर के लिए भी नई झाड़ू खरीदते हैं, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। उधर बंगाल में दिवाली के मौके पर माँ काली का पूजन करने की परंपरा है। इसके अलावा ओडिशा में दिवाली के अवसर पर श्राद्ध करने की परंपरा है। मान्यता है कि नवरात्रि के पहले पितृपक्ष में जो पूर्वज आए थे, पितृगण अपने वंशजों से मिलने आए थे, उन्हें दिवाली के अवसर पर ही विदाई दी जाती है। इस अवसर पर जूट के पेड़ के बीज का जो सफ़ेद हिस्सा, उसे जलाकर उन्हें रास्ता दिखाया जाता है। इसके बाद देवताओं का पूजन किया जाता है। दिवाली पर देश के कुछ क्षेत्र में मिट्टी की कुल्लियां भरी जाती है। ये कार्य घर के छोटे बच्चियां करते हैं। कुलियां एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन होता है, जो कि एक छोटी हंडी की तरह होता है। दीपावली पर चार कुलियां में धान का लावा या खील बतासे भरकर रखा जाता है। उस पर कुछ पैसे रखे जाते हैं और उसे लक्ष्मी जी के पास रखकर पूजा की जाती है, जिसमें से दो कुलिया मंदिर में दे दी जाती है और दो कुलिया परिवार के सदस्यों को प्रसाद के रूप में देते हैं। इन्हें पूजते हुए माँ लक्ष्मी से धन धान्य की कामना की जाती है।
साथ ही घर का अन्न भंडार भरा रहने की प्रार्थना की जाती है। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में दीपावली के दिन मिट्टी के घरों दे बनाकर पूजा की जाती है। कुम्हारों से भी बने बनाए घरंदे लाकर उसमें लक्ष्मी गणपति को विराजित करते हैं और फिर उनकी पूजा की जाती है। उधर भारत के दक्षिणी हिस्से में दिवाली नरक चतुर्दशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था, जिसके बाद खुशियां मनाते हुए दक्षिण भारत के लोग तेल से स्नान करते हैं। सुबह सुबह तेल से स्नान करना शारीरिक और मानसिक शुद्ध का प्रतीक माना जाता है। यह एक प्राचीन परंपरा है जो केरल और तमिलनाडु में खास रूप से निभाई जाती है। इसके बाद लोग नए कपड़े पहनते हैं और पूजा के बाद पटाखों के साथ त्योहार का आनंद उठाते हैं। वही गोवा में दिवाली के पहले अखाड़ा सजाने की परंपरा है, जहां नरकासुर का विशाल मूर्तियां बनाई जाती है और फिर उन्हें जलाया जाता है। ये बुराई का अंत का प्रतीक है, लेकिन ये परंपरा अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। पंजाब में सिख लोग दिवाली को बंदी छोड़ दिवस के नाम से मनाया जाता है। यह दिन छठे सिख गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह और 52 अन्य राजाओं की रिहाई के याद में मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों और गुरुद्वारों में दीपक जलाते हैं और भजन गाते हैं, शास्त्रों का पाठ करते हैं और लंगर साझा करते हैं। तो ये थी दिवाली के अलग अलग परंपराएं। मुझे उम्मीद है कि इन्हें जानने से आपका भारतीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में भी ज्ञान वर्धन हुआ होगा। इस तरह की आध्यात्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए देखते रहिए मेरा खास कार्यक्रम भारतीय चेतना, सिर्फ उदय इंडिया डिजिटल पर। जय माँ लक्ष्मी, ओम नमो नारायण।